नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बर्ड्स हाउस बनाना सिखा रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने घरों पर छोटे छोटे घोंसले या बर्ड्स हाउस बनाकर रखें, जिससे कि गर्मियों में पक्षी आकर उसमें अपना घर बना सके। इसके लिए जो तैयारी हमें करनी है वो आज हम आपको पहले बता देते हैं। ये पूरा बर्ड्स हाउस आज हमें बनाना सिखा रहे हैं प्रकाश जी नाकोरा आर्टिस्ट। ये बहुत ही कलाकार हैं और ये हमें बता रहे हैं सबसे पहले प्लाईवुड या न्यू वुड लेकर उसको किस प्रकार काटना है, उस पर किस प्रकार मार्किंग करनी है। आज जो हम बर्ड्स हाउस बना रहे हैं उसमें हम उसको झोपड़ी के शेप में बना रहे हैं, जिससे कि बरसात का पानी अंदर ना जाए और पक्षी आसानी से अंदर चले जाएं। इसके लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए न्यू वुड यानी कि लकड़ी या पुट्ठा चिपकाने के लिए, फेविकॉल कलर करने के लिए, कलर प्राइमर कटिंग करने के लिए, फनर पत्ती, कील, हथौड़ी, प्लास, इन सभी सामानों को हम एक साथ रखकर पहले प्लाईवुड पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम उसे काटेंगे। जिस प्रकार की आप देख रहे हैं किस प्रकार काटा जा रहा है। ये लगभग अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इसके आगे की ओर एक गोल छेद किया गया है जिसमें से पक्षी अंदर जाएगा। आगे की ओर एक टेपर बनाया गया है जिस पे पक्षी बैठ सकेगा। चारों ओर से थोड़ा थोड़ा छज्जा बाहर निकाला गया है जिससे कि बरसात का पानी अंदर ना जा सके। चारों ओर से बहुत ही मजबूती के साथ नीचे से और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने पूरा किया है। अब हम इसके आगे की प्रक्रिया को जानेंगे, कैसे प्रकाश जी इसे आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आगे पूरा हो चुका है और इसको चारों ओर से हमने बहुत ही सुंदरता के साथ सजाया है। एक तरफ चिड़ियाओं को बचाने का संदेश है तो दूसरी ओर लिखा है चिड़िया का मकान यानी बर्ड्स हाउस। हम तहे दिल से प्रकाश जी नागोरा जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें बर्ड्स हाउस बनाना सिखाया। तो हम चाहेंगे इस छुट्टियों में आप सभी अपने घर पे एक बर्ड्स हाउस बनाएं और अपने मकान के, घर के टेरेस के बाहर इसे ज़रूर लगाएं। और हम सभी चाहेंगे कि ननी ननी चिड़ियाओं को रैन बसेरा मिले। धन्यवाद।